आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समा के चावल की खिचड़ी। समा के चावल हम व्रत में खाते हैं और ये बहुत बारीक होते हैं, इसलिए फटाफट बन के तैयार होते हैं। और इसमें हमने उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो केवल हम व्रत में खाते हैं। खाने में ये खिचड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो फिर चलिए चलते वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम ने ऑन कर दी है। ये हमने देसी घी लिया है, तो एक चम्मच हम घी इसके अंदर डाल देते हैं। एक चम्मच घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। घी को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए, घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये हमने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है। आलू को मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया है। अब आलू को हम फ्राई करेंगे, तो सारे आलू हम इसके अंदर डाल देते हैं और इन्हें हम अच्छा क्रंची होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें, हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, नहीं तो जो हमारे आलू है वो जल जाएंगे। हमें इसको अच्छा क्रंची होने तक फ्राई करना है। आलू हमारे काफ़ी क्रंची हो गए हैं और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालें ताकि जिसका एक्स्ट्रा ऑयल वो नीचे आ जाए। गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। सारे आलू हम इस बर्तन में निकाल लेते हैं और ये देखिए, इसमें घी बच गया है। अब हम इसके अंदर, ये हमने मूंगफली ली है थोड़ी सी, ये हमने कच्ची मूंगफली ली है, इसको हम रोस्ट करेंगे। तो सारी मूंगफली हम इसके अंदर डाल देते हैं और गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इसे हमें ज़्यादा देर नहीं लगी रोस्ट करने में। अब हम गैस लो कर देते हैं और इसे भी एक बर्तन में निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल नीचे आ जाए। सारी मूंगफली हम बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें घी बच गया है और हम इसके अंदर करीब एक चम्मच घी और ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हमने ये एक चौथाई चम्मच जीरा लिया है, जीरा हम इसके डाल देते हैं। सारा जीरा मैंने इसके डाल दिया है। जीरे को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनने देते हैं। जीरा हमारा अच्छे से भुन गया है। ये हमने दो हरी मिर्च ली, इसे मैंने बारीक काट लिया है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप हरी मिर्च में से बीज निकाल दें, फिर इसको ऐड करें। तो इसको भी हम हल्का सा भून लेते हैं। ये हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। अब टमाटर हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसको हम इसके अंदर अच्छे से मिलाएंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, तो ये हमने एक चम्मच सेंधा नमक लिया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे जो हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। ये हमने आधा कप समा के चावल लिए हैं, इसको मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रखा था पानी में, इसका एक्स्ट्रा पानी हमने हटा दिया है और ये बहुत बारीक होते हैं। अब सारे चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। सारे चावल हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब चावल को हम अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे, तो ये हमने एक चौथाई चम्मच काली मिर्च ली है। आप साबुत काली मिर्च भी ले सकते हैं, उसको हल्का कूट के इसके अंदर डाल सकते हैं। काली मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी है, इसको भी अच्छे से मिला देते हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो ये मैंने एक गिलास पानी लिया है, ये नॉर्मल पानी यूज़ किया है मैंने। एक गिलास पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने रोस्टेड मूंगफली ली थी वो डाल दी है मैंने, और अब इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। तो जो हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे आलू हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। सब चीज़ों को हमने इसके अंदर अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे करीब 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और बीच बीच में भी हमने इसको चेक किया था। इसका जो पानी बिल्कुल अच्छे से सूख गया है और चावल भी काफ़ी फूल गए हैं और हमारी खिचड़ी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएं। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
तो हमने इसे गर्मा गर्म सर्व किया है। आप इसे दही के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों देखिए कितनी जल्दी हमारी जो खिचड़ी है बनके बिल्कुल तैयार है। आप फटाफट इसे बनाइए और व्रत में इंजॉय करिए। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।